हिंसा के दौरान खुफिया विभाग के अधिकारी अंकित शर्मा की हत्या के मामले में आरोपी ताहिर हुसैन के खिलाफ बुधवार को प्रवर्तन निदेशालय ने मामला दर्ज किया है। प्रवर्तन निदेशालय ने धन शोधन निरोधक अधिनियम के तहत आम आदमी पार्टी के निष्कासित पार्षद के खिलाफ केस दर्ज कर लिया है। इसके साथ ही कट्टरपंथी संगठन पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया PFI के साथ ताहिर के कथित संबंधों की जांच की जा रही है। इसी बीच आज दोपहर दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच ने मुस्तफाबाद निवासी इशाद, आबिद और शाहदाब को हिरासत में लिया है। बताया जा रहा है कि ये तीनों ताहिर हुसैन के बेहद करीबी हैं और 24 फरवरी को अंकित शर्मा की हत्या के समय भी ताहिर हुसैन के साथ ही थे। इससे पहले सोमवार को दिल्ली पुलिस ने ताहिर के भाई शाह आलम को भी हिरासत में लिया था। अंकित शर्मा की हत्या की जांच के दौरान शाह आलम के शामिल होने की बात सामने आई थी। वहीं रविवार को ताहिर हुसैन की सहायता करने वाले पिता पुत्र रियासत अली और लिकायत को भी कड़कड़डूमा कोर्ट में पेश किया गया था। रियायत अली को 3 दिन के लिए पुलिस रिमांड पर भेजा गया और उसके पिता लिकायत को 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेजा गया। वहीं हिंसा भड़काने के आरोपी तारिक रिजावी को जमानत मिल गई थी। आरोपी पिता पुत्र पर हिंसा के दौरान भीड़ की अगुवाई करने, इलाके में पथराव करने और पेट्रोल बम फेंकने के आरोप थे। गौरतलब है कि पुलिस ने 26 फरवरी को चांद बाग इलाके के नाले से अंकित शर्मा का शव बरामद किया था। उसके पिता रविंद्र कुमार ने ताहिर हुसैन के बेटे की हत्या का आरोप लगाया था। कई दिनों की तलाश के बावजूद भी ताहिर पुलिस के साथ नहीं आया। बाद में उसे कोर्ट से गिरफ्तार किया गया। ताहिर हुसैन ने पुलिस को बताया था कि हिंसा के बाद वह मुस्तफा फैद के नेहरू विहार इलाके में गया था। इसके बाद 2 दिन वह जाकिर नगर इलाके में तारिक के घर में छिपा था। ऐसे ही लेटेस्ट खबरें पाने के लिए बेल आइकन को क्लिक कर हमारे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। JBD Banquets लाए हैं Incredible Marriage Palace, Rajgharana and the finest banquet hall, Jyoti Garden. World-class catering, centrally air-conditioned, lush green lawns, state-of-the-art lighting. A perfect venue for wedding, launching and parties. Rajgharana and Jyoti Garden at JBD Banquets Enterprise.